नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियों सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, से के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 की आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और दोस्तों दिन पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। वह दोस्तों दिन योग की बात करें तो इंद्र नाम का शुभ योग दोपहर के 12:03 रहेगा, उसके उपरांत ही पैदृति नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, इस दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा दोपहर के 12:25 से लेकर दोपहर के 1:44 तक और दोस्तों चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए तो उसके परिणामों के बारे में सोचिए। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। जब कोई आपके सामने गुस्से से बात करे तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। दोस्तों, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। दोस्तों, खोलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखे जा सकती, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को देखा नहीं जा सकता। गुस्से में आदमी तो बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बातें भी कह जाता है। जब आदमी जिद करता है तब क्रोध जम लेता है। क्रोध से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या हिंसा को बढ़ावा देती है। इसलिए न जिद करें, न क्रोध पैदा करें। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों कहीं से यश में रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी आपका समय व्यतीत होगा। रिश्तों में भी और अधिक तुम्हें नजदीकियां आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कुछ नए संपर्क भी यश में स्थापित होने वाले हैं, परंतु आपको बता दें कि यश में अनजान व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय आपको सावधानी भी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों, किसी भी पर यश में आपको जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले अपने सोच विचार करना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, संतान की पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखकर आपको चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके अटके हुए काम यश में धीरे धीरे गति की ओर बढ़ेंगे। फिर भी दोस्तों, संयम की कमी के कारण सकारात्मक बातों की तरफ भी आपका रवैया जो है नकारात्मक ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, यश में आप कोशिश करें कि अपने नकारात्मक रवैये को दूर करके सकारात्मक दृष्टि से सभी कार्यों को देखें। इसके साथ ही दोस्तों, यश में यात्रा से संबंधित निर्णय आपके द्वारा लिए भी जाएंगे। महत्वपूर्ण काम संबंधी यात्रा जल्दी ही हो सकती है, ये यात्रा भी आपका सफल रहेगा और आपके लिए नई अनुबंध भी आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ काम भी यश में आपका पूरा हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके भाग्य को यश में मजबूत बनाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके आसपास का वातावरण जो है यश में खुशनुमा रहेगा तथा अपने परिवारजनों के साथ बैठकर दुख सुख साझा भी यश में आप करने वाले हैं। इनसे दोस्तों आपको आत्मिक खुशी की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यश में आप जरूर इनसे शेयर करें, आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि किसी काम में रुकावट भी आ सकती है, तो दोस्तों इसका कारण अपने अनुभव में कमी को न माने, क्योंकि दोस्तों समय कुछ ऐसा है कि आपको यश में इनका सामना करना पड़ेगा। कुछ समय चिंतन और मनन में भी अवश्य लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों, घर में यदा कदा छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बहस स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, छोटी मोटी बातों को इसमें आपको नजरअंदाज करना चाहिए, ये आपके रिश्तों के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों, इस समय
आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी, उनके साथ मिले मार्गदर्शन को नजरअंदाज ना करें। भले ही दोस्तों निर्णय आप अपने मन से ही लें, लेकिन दोस्तों द्वारा दिए गए सुझाव पर सोचने की आपको आवश्यकता होगी। परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य मार्गदर्शन भी आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर के कई रुके हुए कार्य भी इसमें पूरे समय पर हो जाएंगे और इनमें आपका विशेष सहयोग भी रहेगा। प्रॉपर्टी के किसी काम को लेकर कोई नजदीकी यात्रा का प्लान भी बनेगा, जो कि दोस्तों आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। परंतु दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनके बारे में पूरी रूपरेखा आप अवश्य बना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि युवा वर्ग का अपने करियर को लेकर कोई गलत निर्णय भी हो सकता है, इसलिए यश में आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मन स्थिति पर आपको नियंत्रण रखना यश में जरूरी होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए समय होंगे, कम समय में अधिक काम को खत्म करने के लिए आपको द्वारा प्रयत्न भी किए जा सकते हैं। परिवार के बीच हो रहे वाद विवादों को दूर करने की आप कोशिश करते रहें। माता पिता के साथ ठीक से संवाद करने की आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके प्राप्त दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको प्राप्त होगी। राजनीति अथवा सामाजिक कार्यों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। किसी पुराने मित्रों की अचानक से मुलाकात भी आपके पुराने यादों को भी इसमें ताजा करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सिरस श्रष्टा आदि जैसे रिक्श वाली प्रवृत्तियों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए कुछ नुकसान की स्थितियां बन रही है। वाहन चलाते समय भी आपको अत्यधिक सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों यश में किसी भी गैर कानूनी कामों में इसमें रुचि ना लें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने की आपकी जिद और उत्साह भी बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में खुद के प्रति आ रही जागरूकता की वजह से किसके साथ कैसे संबंध बनाए रखनी है यह बात का आपको पता चलेगा। आपके अंदर आ रहे बदलाव थोड़ा डर भी पैदा कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों आपको यश में खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर को लेकर बात की, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों ये जो समय है आपके व्यवसाय के लिए किसी भी व्यवसायिक कार्य में अपने पेपर अथवा फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें। कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी की संभावना भी बन सकती है। ये जो समय है आपके लिए कोई कार्यवाही संबंधी योजना लंबित हो सकती है। नौकरी में भी ऑफिस का काम बनेगा, जिससे आपका सुकून भरा माहौल भी रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी अथवा कर्मचारियों से भी चल रहा पुराना मतभेद यश में दूर होगा, तथा व्यवसाय की स्थिति भी यश में बेहतर होगी। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, किसी नए काम पर निवेश करने के लिए जो समय है यश में उत्तम समय होगा। साझेदार संबंधी व्यवसाय में भी यश में मुनाफे की स्थिति बन रही है, तो दोस्तों ये जो समय है आपके करियर के लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में हर काम में बड़ी जो है संजीदगी और गंभीरता से आपको करना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में भी कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य भी यश में संपन्न हो सकते हैं, परंतु दोस्तों नौकरी पेशा लोग यश में सावधान रहे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम का दबाव बना रहेगा, परंतु आप गंभीरता व फिर हिम्मत द्वारा उसे पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक कार्यों में बेहतर तालमेल बनाकर रखें। छोटी मोटी गलतियां सामने आएंगी, परंतु उसे अपनी सीख मानकर आप आगे बढ़ें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अचानक किसी मित्र के मिलने से मन में उमंग और खुशी का माहौल रहेगा, खुशी यश में आप महसूस करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।